सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज यहाँ पर हम जवाब देंगे आपके कुछ कमेंट्स का। बहुत दिनों से मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि आपके कमेंट्स के आंसर दे पाऊँ, लेकिन कुछ टाइम की शॉर्टेज है, कुछ आप लोगों का एग्जामिनेशन टाइम है, और कुछ तादाद इतनी ज़्यादा हो रही है कि सभी का जवाब दे पाना टोटली इम्पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ, वो नहीं हो पा रहा। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे बच्चे अपने बातें भेजते हैं। मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप इतने सारे मैसेजेस को हैंडल कर पाने में इस वक्त असमर्थ हो रहा है, वहाँ नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए कई बार मैसेज आते हैं, कई बार पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते हैं, कई बार हैंग होता है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर हम चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन भी अपलोड किए गए थे और उससे पहले मॉक टेस्ट भी, कुछ नोट्स भी, सभी इंस्टाग्राम पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आप इंस्टाग्राम पिक्स अंडरस्कोर इंस्टीट्यूट को ही फॉलो करें, वहाँ पर हैंडल करना आसान है। वो एक जो स्टोरेज बेस है वो इंटरनेट पे है, कहीं फेसबुक वालों का है, बहुत बड़ा बेस है उनका, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर जा रही हैं। क्योंकि जब आप बार बार कोई मैसेज भेजेंगे और मैं नहीं देख पाऊँगा, और सोचने की बात है कि इतने सारे मैसेजेस को देख पाना, फिर उनका जवाब देना, मुझे रोज़ दो दो घंटे का समय लगता है मैसेज का जवाब देने में, और उस दो घंटे के अंदर मैं कुछ और क्वालिटी वीडियोस भी बना सकता हूँ। और अब एग्जामिनेशन टाइम है, तो मैं कोशिश करूँगा जो सिलेक्टेड कमेंट्स होंगे या सिलेक्टेड मैसेजेस होंगे उनका जवाब मैं आपको YouTube पे ही दे दूँ, ताकि कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा। तो आइए कोशिश को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के कमेंट्स के क्या क्या कमेंट्स थे और उनके बारे में क्या क्या कहा जा सकता है। पहला कमेंट मैं यहाँ देख रहा हूँ, निदान दुबे का है। उन्होंने कहा है कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो अडल्ट्रेशन इन फूड स्टफ है, तो उसमें से वाइवा किस चीज़ का पूछा जा सकता है। देखिए, अडल्ट्रेशन इन फूड स्टफ है तो वाइवा के लिए आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, इस तरह से ये दो चैप्टर तैयार कर लीजिए। वैसे तो एग्जामिनर कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यही दो चैप्टर हैं जिनकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, और वो इनके आपसे क्वेश्चन इनमें से पूछ सकते हैं। और चैप्टर वाइज वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई हैं, हैप्पी एग्जामिनेशन जो हमारी प्लेलिस्ट है चैनल की, वहाँ पर आपको फुल लेंथ वीडियो भी दिए गए हैं, आप उनको देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए। वाइवा ऐसी कोई डरने की चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें परफॉर्म करने की ज़रूरत होगी। अगला कमेंट दीक्षित काद्यान का है। उन्होंने कहा है कि एग्जामिनेशन से पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, लेकिन अब पूरी उम्मीद है कि 90% स्कोर हो जाएगा। ये जो कल हमने वीडियो अपलोड किया था उसके बाद का इनका कमेंट है। देखिए बच्चों, कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सही ढंग से आगे बढ़ते रहेंगे, सही ढंग का मतलब यही है कि जो NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट प्री बोर्ड्स के अंदर आपको जो वीडियोस दिए गए हैं वहाँ के से आप NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। जो प्रीवियस 7 ईयर है उनको तैयार कर लीजिए। देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि तैयार करने से ही बात नहीं बनती, उसे लर्न करना होता है और उसे प्रिजर्व करना होता है। जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे और उसे बार बार रिवाइज करेंगे, अपने लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने यही कहा था कि अगर एग्जाम से पहले आपने 3-4 बार सिलेबस रिवाइज कर लिया तो आपको 95 के अराउंड आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ज़रूरत है इस डिटर्मिनेशन पे बने रहने की कि कम से कम इतनी बार सिलेबस आपका जरूर होना चाहिए। और दीक्षित का अध्ययन को हम यही कहेंगे ऑल दी बेस्ट, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। अगला कमेंट मोहम्मद मोइन खान का है, और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे भी सेम सवाल पूछते हैं। ये कहते हैं, सर आई लाइक योर वीडियोज वेरी मच, दे आर शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल, थैंक्स सर फॉर वीडियो लेक्चर्स, आई वॉन्ट टू रजिस्टर ऑन व्हाट्सएप। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट्सएप के ऊपर चीज़ों को हैंडल करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत सारे मैसेजेस एक के बाद सभी को पिकअप करना, रीड करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। हाँ, जो आप अपडेट्स मांग रहे हैं वो अपडेट्स हमने कहा कि इंस्टाग्राम पे आ रही हैं। और जहाँ तक नोट्स की बात है, आपके लिए नोट्स का एक अलग से चैनल है पिक्स एजुप्लेक्स हमारा, और उस पिक्स एजुप्लेक्स में केमिस्ट्री नोट्स
प्लेलिस्ट को आप देखिए और नोट्स डाउनलोड का जो लिंक दिया गया है वो उनके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप उन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। किसी तरह की परेशानी नहीं बनेगी और आने वाले समय में हम हर चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर खुद सॉल्व करके दिखाएंगे, उनके वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये फरवरी की एकदम से शुरुआत है, अगर अभी अपलोड किया जाएगा तो आप में से काफ़ी बच्चे सिर्फ सेव करेंगे और उसको लर्न नहीं करेंगे, और इसीलिए हम थोड़ा सा समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक ऐसा समय आ जाए जब बच्चों के अंदर लगे कि हाँ अब हमें बस इसको याद करना ही है। अगला कमेंट है याना का। याना ने कहा है कि क्या हम सिर्फ सैंपल पेपर पढ़ के ही 50 प्लस मार्क्स ला सकते हैं या नहीं। देखिए 50 प्लस मार्क्स, पहले तो आपने ये क्लियर नहीं किया कि 70 में से 50 प्लस की बात कर रहे हैं या 100 में से। अगर आप 100 में से 50 प्लस की बात कर रहे हैं तो 25 के अराउंड तो आपके प्रैक्टिकल में आ जाएंगे और 25 तो डेफिनेटली आ सकते हैं सैंपल पेपर पढ़ने के बाद। लेकिन अगर आप 70 में से 50 प्लस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर को अंधाधुंध पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आपको वहां पर कुछ ना कुछ जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है उनको करना ही होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। मेजॉरिटी रिपीट होती है लेकिन सभी रिपीट नहीं होते, और 70 में से अगर 50 प्लस चाहिए तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना ही होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट प्रीबोर्ड्स के अंदर चैप्टर के लास्ट में जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन हैं वो आपको ऑलरेडी मार्क करके दिए गए हैं, उनको डाउनलोड कीजिए, तैयारी कीजिए। हाँ, फिर पूरी उम्मीद है कि आपके 70 में से 50 प्लस मार्क्स डेफिनेटली आएंगे, ये हम आपको श्योरिटी से जरूर कह सकते हैं। अगले कमेंट में अविरल गुप्ता बोलते हैं कि इनका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया और जो एक्सटर्नल आए थे लखनऊ यूनिवर्सिटी से वो बस देखते रह गए और इनका प्रैक्टिकल खत्म हो गया। जान के बहुत अच्छा लगा कि चलिए हमारे वीडियोस से आपको फायदा जरूर मिल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और बच्चों के जब ऐसे कमेंट आते हैं ना तो हमें भी इतनी खुशी होती है कि बस हमें लगता है कि बस उड़ चलो। लेकिन बात यही है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी प्रोग्रेस है, आपकी तरक्की है। आप जब तक अपने करियर की उड़ान में नहीं उड़ेंगे तब तक बात कुछ भी नहीं रहेगी। अविरल गुप्ता को ऑल दी बेस्ट। अगला कमेंट है अभिषेक सिंह का और वो कह रहे हैं कि उन्हें 90 प्लस मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और सेकेंड बुक की अभी तैयारी जस्ट शुरू की है तो एटसेट्रा। तो बच्चों मैं यही कहूँगा कि 90 प्लस एक छोटा एम नहीं होता, एक बहुत बड़ा एम होता है, और सिर्फ फर्स्ट बुक से आप 90 प्लस में पहुँच जाएं रेयर चांसेस हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप सेकंड बुक अब पढ़नी शुरू कर दीजिए, ज़्यादा ना सही। तो सेकंड बुक में खास बात है कि मेनली एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलीमर पढ़िए, सबसे आसान है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत आसान है, बहुत जल्दी इसको ख़त्म किया जा सकता है। अगर वीडियोज़ भी देख लेंगे तो आप एक डेढ़ घंटे के अंदर बड़ी आसानी से इन चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर आप नेम रिएक्शन पढ़ लीजिए, आपके पास कुछ ही गिनी चुनी नेम रिएक्शन है उनको पढ़ लीजिए, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कर लीजिए और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, तब हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली आपके 90 प्लस मार्क्स पहुंच सकते हैं अगर आप पूरी तरह से इनकी तैयारी करते हैं। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि थोड़ा बहुत पढ़ने से बात बन जाएगी तो डाउट है कि शायद ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी वक्त है आपके पास, अभी टाइम है, एक शेड्यूल बनाइए और उसके हिसाब से पढ़ने की कोशिश कीजिए। 90 प्लस या 95 प्लस भी आपके मार्क्स आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अगले कमेंट में प्रहलाद राम की साइड से है, उन्होंने कहा कि उन्होंने पीडीएफ ब्लॉक अभी तक नहीं स्टार्ट किया है। देखिए कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री की एक पूरी की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, पी ब्लॉक की प्लेलिस्ट है, आप पहले उन प्लेलिस्ट को देखिए और फिर उनके एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने प्लेलिस्ट प्री बोर्ड्स के अंदर दिए हुए हैं, सिर्फ उनको तैयार कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है सिर्फ उनको तैयार कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये तैयारी करने के बाद आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि चैप्टर इतने आसान थे, इनको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत ईजिली आपसे हो जाएंगे। अगला वीडियो फनी फॉरम, एक तो आपके नाम भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, फनी फॉरम। इन्होंने कहा है कि फिजिक्स और हिंदी को रिवाइज नहीं किया है, सैंपल पेपर सॉल्व करें या रिवाइज करें। देखिए इस बात को ऐसे लीजिए कि सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए और उसके सॉल्व की हुई चीज को रिवाइज कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। एक और अगले हमारे सब्सक्राइबर हैं एनसेक और वो ये कहते हैं
सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वीडियो उनको चाहिए। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट को देखिए और मैं भी देखता हूँ जरा उस प्लेलिस्ट को कि उसमें है नहीं, हो सकता है प्लेलिस्ट में ना हो लेकिन ऑलरेडी अपलोडेड जरूर है, और उस वीडियो को देखिए। और अदरवाइज मैंने कहा है कि जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन के वीडियो अब हम आने वाले समय में बनाने वाले हैं, तो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बताइए, हम उसका लिंक ढूंढ के आपको डेफिनेटली देंगे। और फिर आने वाले समय में तो तैयारी हमने धूम धड़ाके से करनी ही है ताकि आपके नंबर भी पूरे बम्बास्टिक रहें। विल ट्राई, कोशिश करेंगे। जीनत अंसारी का कहना है कि आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल की हेल्प से 30 out of 30 मार्क्स मिले हैं। जीनत, जान के बहुत अच्छा लगा कि आपके प्रैक्टिकल में 30 out of 30 मार्क्स रहे। चलिए कहीं हम कहीं ना कहीं किसी की हेल्प कर पाए, जान के अच्छा लगा। कहा जाता है कि अगर घर से मस्जिद हो कहीं दूर तो यूं कर लें, किसी बच्चे को हंसाया जाए और आपके चेहरे पे खुशी आई, हंसी आई, जान के हमें बहुत अच्छा लगा। ऑल दी बेस्ट, ऐसे ही आगे काम करते रहिए, बढ़ते रहिए। अगले कमेंट में LW प्रोडक्शन हट का कमेंट है और वो थोड़े से परेशान है कि उन्हें जो सैंपल मिला था उस सैंपल के अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं आता था, दूसरा सैंपल लिया। देखिए आपका प्रैक्टिकल इस तरह से डिजाइंड है कि आपके मार्क्स 25 से बिलो तो आ ही नहीं सकते, ये डिजाइंड होता है और कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। हाँ, जो भी आंसर शीट में लिखते हैं वो बिल्कुल साफ साफ लिखिए, सही लिखिए। आपका जो रिटर्न वर्क होता है वो सबूत होता है आपने क्या किया है। जो आप बोल के आए हैं वो तो बात मॉडिफाई हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन जो भी आपने लिखा है अगर आपने सैंपल बी लेके किया है, अच्छे से किया है, घबराइए नहीं, परेशान नहीं हुए। एग्जामिनर भी आप बच्चों का भला ही सोचते हैं, कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहेगा कि कोई बच्चा ऐसे परेशान हो। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इन सब बातों को अपने पर हावी मत होने दीजिए और जो हो गया सो हो गया। और ये भी आप मेरी बात श्योरिटी से बांध लीजिए कि आपके साथ बुरा नहीं होगा, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, यही कहूंगा। अरे वाह, क्या कमेंट किया है लव स्टेटस ने, और उन्होंने यही कहा है कि 11th के NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आप अगर वीडियो देखेंगे तो हमारे पिक्स एजीप्लेक्स और ये पिक्स फॉर IIT, इन दोनों ही चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। 11th के सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं, तो जो 11th क्लास की प्लेलिस्ट है उस पर ध्यान दीजिए। और बाकी 11th के NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ हमने चैनल की प्लेलिस्ट प्रीबोर्ड के अंदर डाल दिए हैं और बाकी भी मैं जल्दी से जल्दी उनको अपलोड करने की कोशिश करता हूं ताकि आपके एग्जामिनेशन से पहले ही आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। हैदर मोहम्मद का कहना है कि प्री बोर्ड में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो परेशान है। देखिए हैदर मोहम्मद जी, आप परेशान मत होइए, प्री बोर्ड में आपने परफॉर्म नहीं किया कोई बात नहीं, उस वक्त मेंटेलिटी और होती है। लेकिन इस लास्ट मंथ में जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है, उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे मार्क्स से पास हो पाएंगे। 23 मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, और जैसे कि अगर आप हमारे चैनल का वीडियो देख पाएं हाउ टू पास इन केमिस्ट्री, और तो आप उसके अंदर देख पाएंगे कि हमने 40 मार्क्स किस तरह से इजीली आपको मिल सकते हैं ये उसमें बताया गया है। बस उस वीडियो को देखिए और उसमें बताई गई बातों को फॉलो कीजिए, परेशान होने से बात नहीं बनती और परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। पढ़ाई इतनी मुश्किल है ही नहीं, वो पढ़ाई को तो हम मुश्किल बना लेते हैं, वो इतनी मुश्किल नहीं होती। बस उस वीडियो को देखिए, उसमें बताए गए मेथड्स को अडॉप्ट कीजिए, डेफिनेटली आपके 70 में से 40 मार्क्स आएंगे और 25 मार्क्स के अराउंड या उससे ऊपर प्रैक्टिकल मिलेंगे, सो वी कैन से 65 क्रॉस डेफिनेटली हो जाएंगे। बस उस वीडियो को अभी देखिए और तुरंत उसमें बताई गई बातों के ऊपर अमल कीजिए। प्रशांत भागवत, जितेंद्र कुमार, थैंक्स आप दोनों का, कि और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर यहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो थैंक्स है आप सबका। प्रिंस कुमार ने हमसे पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करें। देखिए सीधी सी बात है, मेटल के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर देख रहे हैं, मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं काउंट कर लीजिए और वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभिषेक सिंह का कमेंट 21 आवर्स अगो, अभिषेक सिंह जी आपके कमेंट तो बस ये कह दिया
कि बस हम तो इंटरनेशनल हो गए, वर्ल्ड में छा गए। थैंक्स है आपके कमेंट के लिए, बट हमारे लिए आपकी सक्सेस ज़्यादा मायने रखती है। जिस दिन दुनिया ये कहेगी कि मेरे पढ़ाए हुए, मेरे वीडियोस से जो मेरे बच्चे हैं वो वर्ल्ड में बेस्ट हो गए, तो उससे ज़्यादा खुशी हमें नहीं होगी। तो मैं कहूँगा आप बेस्ट बने, सबसे आगे बढ़ें, आपकी गुड लक के लिए मैं यहाँ पर कामना करता हूँ। अखिलेश तिवारी और भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि ऑर्गेनिक रिएजेंट की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें कितने वीडियोस हैं। देखिए, ऑर्गेनिक रिएजेंट की सीरीज में अभी तक हम एल्कोहल तक पहुंचे हैं, उसके बाद फिनॉल और एल्डिहाइड वगैरह, ये मुझे बनाने हैं, मुझे बहुत सारा काम करना है। लेकिन यहाँ की हमारी जो क्लासेज होगी वो हो गया, ऊपर से आपके कमेंट के जवाब, ऊपर से आपके मैसेज के जवाब, बहुत सारा समय लगता था। इसीलिए अब हमने सोचा है कि कमेंट का वीडियो बना देंगे और बाकी मैसेजेस का एक वीडियो बनाएंगे और उसी के थ्रू आपको हम जवाब देंगे, और इससे शायद हमें समय मिलेगा और जल्दी से जल्दी हम ऑर्गेनिक रिएजेंट के जितने भी रिमेनिंग वीडियोस हैं उनको पूरा करते हैं। और हमें आपके एग्जामिनेशन की ऑलरेडी बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, जल्दी से जल्दी उस चीज़ को हम कवर करते हैं। शिवानी रॉय ने कहा है कि प्लीज अपलोड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन केमिस्ट्री। यस शिवानी, जल्दी से जल्दी हम अपलोड कर रहे हैं, और इस बार हम पिछले साल की तरह नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन अपलोड करें, इस साल उन क्वेश्चन के साथ आंसर भी अपलोड करेंगे, उसे भी सॉल्व करेंगे। और हमारी पूरी उम्मीद है कि इसी से आप बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद मिल पाएगी। ट्विंकल शर्मा का कहना है कि क्या हमें 1 आवर रिवीजन के लिए हर रोज देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। आपका दिन 4 हिस्सों में डिवाइड हो, एक हिस्से में आप फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायो पढ़ें या मैथ पढ़ें, लेकिन कम से कम 1 से लेकर 2 घंटा रिवीजन के लिए भी होना चाहिए। जो आपने पिछले 2 दिन पहले पढ़ा है या 1 हफ्ते पहले पढ़ा है उसका रिविजन जरूर करें। रिविजन करने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन रिविजन करने के बाद वो चीज हमारे दिमाग पे अच्छे से छप जाती है। देखिए, सोचिए, आप दीवार के ऊपर एक कील ले रहे हैं, दीवार पे एक लाइन लगाते हैं, एक बार की एक हल्की सी लाइन है कि दिखी दिखी ना दिखी ना दिखी, लेकिन अगर उसी पे बार बार लाइन लगाते रहते हैं, लाइन लगाते रहते हैं, तो वो इतनी डार्क लाइन बन जाती है जो कभी मिटती नहीं है। तभी तो कहते हैं ना कि पत्थर पे लिखोगे तो मिटेगा नहीं, पत्थर तो कह दिया तुमने हमें। तो यही बात है कि आप रिविजन करेंगे तो वो पत्थर पे लिखा जाएगा और वो ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा, और यही तो चीज चाहिए एग्जामिनेशन में। उन 3 घंटों के अंदर जो एंजाइटी होती है, उस एंजाइटी की वजह से हम कई बार चीजें भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप लिख लिख के याद करेंगे, रिविजन करेंगे, तो हम हरगिज नहीं भूलेंगे। ऑल द बेस्ट। मोहित का कहना है कि सॉलिड स्टेट के नोट्स सेंड कर दीजिए। देखिए मोहित, इसी चीज के लिए हमने हमारा चैनल पिक्स एजुप्लेक्स और उसके ऊपर प्लेलिस्ट केमिस्ट्री नोट्स बनाया है, क्योंकि सभी मैसेज को देखना, सभी की डिमांड एकदम से मैन्युअली पूरा करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए ऑलरेडी चैनल बना दिया गया है, आप वहां जाएं, चैनल के उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से नोट्स डाउनलोड करें। कितनी बार करें, आप करें, दोस्तों को दें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वहां जाएं और वहां से अपने नोट्स को जो भी चाहिए डाउनलोड कर लीजिए। सौरभ शर्मा, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। आप देखिए, कोई लाइक करता है, डिसलाइक करता है, ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है। आप लाइक करते हैं, ये हमारे लिए बहुत है। मानसी शर्मा, अगेन थैंक्स टू यू, लाइक सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन, आई अप्रिशिएट। मुझे आपका इस तरह से हमारे साथ जुड़ना अच्छा लगता है, सेंटिमेंट्स हमें अच्छे लगते हैं, और हम उम्मीद करेंगे आप सभी बच्चे अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से उभर के आएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक न्यूटन का लॉ है, आप जैसा देते हैं वैसा आपको मिलता है। यू गिव लव यू गेट लव, यू गिव हेट यू गेट हेट, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि सामने वाला आपको क्या दे रहा है उस चीज पे। APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी को डिसलाइक करते हैं या किसी के बारे में कमेंट देते हैं, तो उनके पूरे कार्य को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, और जहां पर आपको लगता है कि वो लगातार एक ऐसा कार्य हो रहा है जिसको सभी ही डिसलाइक कर रहे हैं, तो आप वहां पर करें। और अगर आपको लगता है कि कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो जब आप डिसलाइक करते हैं तो वहां अप्रिशिएट करना भी आपका ही कर्तव्य होता है। लेकिन हमारे पास, हमें पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं, और एक आध अगर डिसलाइक भी है, ठीक है, करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी लाइक करें। पूजा राय को चाहिए बफर सॉल्यूशन और पीएच के न्यूमेरिकल। पीएच के तो न्यूमेरिकल हमने डाल रखे हैं, बफर सॉल्यूशन ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट करते हैं, और जल्दी ही इसके बारे में कुछ वर्क करेंगे।
ब्रदर श्रेय का कहना है कि काफी अच्छा प्रैक्टिकल किया और मार्क्स बहुत अच्छे आए, वाइवा अच्छा गया, अच्छा लगा जान के। और यही कहेंगे कि आप थ्योरी में भी ऐसे ही अपनी तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिए।